हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो पूरे देश में जल प्रहार, उधर दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद लंबा जाम देखने को मिल रहा है कई इलाकों में। मंडी हाउस से आने वाले रास्ते की तरफ ले चलूंगा, देखिए कि जैसे ही ये ट्रैफिक थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हुआ है तो यहाँ पर भी वाहनों में थोड़ी मूवमेंट हुई है। और ये जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, ये मंडी हाउस से आईटीओ की तरफ आ रहा है और ये जो वाहनों की कतार है केवल यहीं तक की नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें ये काफी पीछे आगे बारखंबा रोड, फिरोजशाह रोड तक भी जा रहा है। मैं एक बार प्रयास करूंगा कि अगर दूर तक के शॉट अगर आपको यहां से दिखा सकूं, स्काई वॉक से थोड़ा आगे चल के, तो वहां से भी आपको ये दृश्य समझ में आएगा कि ये जो चौराहा है इस समय चारों तरफ से जाम का सा जो है माहौल यहाँ पर बना हुआ है। एक तो इसकी वजह पीक आवर्स है, इस समय ऑफिसों की छुट्टी होती है तो हैवी ट्रैफिक पहले से ही रहता है, लेकिन आज तेज बारिश की वजह से जो है जगह जगह ज्यादा नहीं हल्का जल भराव जरूर हुआ है और उस हल्के जल भराव से ही जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। ये देखिए अब प्रगति मैदान से और आईटीओ की तरफ आने वाले वाहनों को यहाँ पर छूट दी गई है आने के लिए और किस तरीके से वाहन आ रहे हैं, और जब जैसे ही सिग्नल रेड हो जाता है तो ये वाहन जहाँ के तहाँ वहीं रुक जाते हैं और उस जाम में और ज्यादा बढ़ोतरी भी हो जाती है। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।